नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। सरपंच से कहा था, सरपंच बोला करेंगे जैसे करेंगे, पंची वो सफाई कर्मचारी करेंगे वो करेंगे। सरपंच से 5-7 बार कह ली, कर देंगे कुछ नहीं करता। सांसद को भी बताया, एमएलए आता नहीं है, बस वोटों के टाइम आ जाते हैं और बकवास करके चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं बबुआ गांव। आवाज उठाता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। एमपी एमएलए तक बोल चुके हैं ये इसके लिए, लेकिन कोई फोन नहीं है। साथियों नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना पत्रकार जितेंद्र जोनी। साथियों आज हम पहुंचे थे बउआ गांव में, और बउआ गांव में एक बड़ी समस्या है। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें बुलाया तो हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की क्या समस्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो गाँव में मेन रास्ता है एंट्री करने का, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी। साथ ही में खेल भी बनी हुई है, उसमें भी बहुत गंदा पानी भरा हुआ है। तो आप, मैं मेरा कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि एक बार ये दृश्य दिखाएं यहाँ का। उसके बावजूद यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे मैं आपकी बातचीत करवाऊँगा कि कारण क्या है इसका। तो साथियों आपने देखा कि कितना बुरा हाल यहाँ पे है, कि आने जाने वाले जो नागरिक हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होती है। आपने अभी देखा कि एक महिला जो जा रही थी तो वो भी पैड़ी के ऊपर से चढ़ के गई है, तो उसको भी कितनी दिक्कत हुई। यहाँ जो मौजूद ग्रामीण है मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। आपका क्या नाम भाई साहब? अशोक कुमार। अशोक जी आप क्या काम करते हो? मेरे पास मेडिकल शॉप है जी, यहीं बस स्टैंड के ऊपर। हाँ जी, बस स्टैंड पे। तो ये जो इतनी परेशानी यहाँ पे है ग्रामीणों को, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कारण क्या है इस परेशानी? इस परेशानी का कारण है जी, ग्राम पंचायत पानी की निकासी नहीं कर रही, ग्राम पंचायत ना ही नालियों की सफाई करवा रही है, यही कारण है जी। नालियों की सफाई हो जाए तो पानी रुकेगा ही नहीं। आपने कभी इस समस्या को लेकर सरपंच से या पंचों से बात की? सरपंच से कहा था, सरपंच बोला करेंगे जैसे करेंगे, पंच वो सफाई कर्मचारी करेंगे वो करेंगे। सफाई कर्मचारी रूटीन में नहीं आते हैं क्या? नहीं, रूटीन में आते, लेकिन दो ही बंदे हैं, काम नहीं करता उनसे, एक काम करता है एक नहीं करता उनमें से। इनकी शिकायत आपने ऊपर कहीं की हो? ना, हमने ऊपर नहीं की जी। जो पानी की समस्या आपके गाँव में बनी हुई है जी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी ना तो लेडीज आयो जाए जी, ना आन जान का रास्ता हो, जो भी आते हैं यहाँ पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। आपने इस पानी की समस्या को लेकर सरपंच से बात नहीं की? सरपंच से 5-7 बार कह दी, कर देंगे कुछ नहीं करता। जो सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनको आपने बोला नहीं क्या? बोले, अब यहाँ आते हैं और बस नाम चारा करके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो समस्या है जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जी बउआ गांव का जो बस स्टैंड है और मेन रास्ता है, उसके ऊपर गंदा पानी, गांव का जो सबसे गंदा पानी है वो यहाँ खड़ा है। न तो कोई लेडीज निकल सकती है, न कोई जेंट्स निकल सकता है, यहाँ पर डेली गिरते हैं पानी के अंदर। और सरपंच को कई बार बता लिया, कोई नहीं सुनता। सरपंच को क्या सही पूछो तो हम ऊपर तक भी बता चुके हैं, सांसद को भी बताया, एमएलए आता नहीं है, चारों तरफ पानी खड़ा है, वहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है, कहीं निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं सुनता जी। बस वोटों के टाइम आ जाते हैं और बकवास करके चले जाते हैं, कोई समाधान नहीं है बउआ गांव। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है इसकी। तो साथियों आपने देखा कि ग्रामीणों में कहीं ना कहीं रोष है इस बात को लेकर, ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का जितनी जल्दी समाधान हो जाए उतना जल्दी इस गांव के लिए भलाई का काम होगा। आप देख सकते हैं कि इधर ही नहीं, आप मेन रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पानी यहां पे भरा हुआ है। आप तेरी एक बार दिखाइए भाई साहब। तो साथियों आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी यहाँ दुकानों के सामने बनी हुई है, और मच्छर
बहुत ज़्यादा तादाद में है, और उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि वहाँ से भी एक लिंक रोड आ रहा है, उसके ऊपर भी पानी यहाँ पे भरा हुआ है। कितनी गंदगी यहाँ बस स्टैंड के ऊपर है, इनका कोई समाधान नहीं होता है। ग्रामीणों का कहना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ सफाई नहीं करते हैं। सरपंच को भी कई बार अवगत करवा दिया गया है इस बात को लेकर। दूसरा, सांसद महोदय से भी इन्होंने आग्रह किया है, MLA साहब से भी आग्रह किया है, उसके बावजूद भी यहाँ का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हरियाणा अपडेट परिवार यही आग्रह करता है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए। भाई क्या नाम आपका? योगेश। योगेश भाई, जो ये CSC सेंटर है ये आपका ही है? जी भाई। तो ये आपके CSC सेंटर के बाहर इतना गंदा पानी भरा हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरपंच को बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं कि इसका कोई समाधान करवाओ, लेकिन सरपंच कोई समाधान नहीं करवा रहा, और ना ही ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनसे कोई वो हो रहा है। काम करवाने आते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, लेकिन सभी को प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2-3 लेडी तो गिर भी चुकी हैं, जिनको बहुत सारी चोट भी आई है। यहाँ का जो गांव का युवा वर्ग है वो इसको लेके परेशानी में तो है, तो वो आवाज़ नहीं उठाता? जी बिल्कुल, आवाज़ उठाता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। MPMLA तक बोल चुके हैं ये इसके लिए, लेकिन कोई वो नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद।